Hello everyone, welcome to my channel. This video is about the past tense. The past tense is used for events which are finished in the past with no connection to the present. Past tense हम use करते हैं उन events के लिए जो जिनका कोई connection नहीं है present के साथ. We have four kinds of past tense. सबसे पहला है हमारा पास्ट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं. अब एक ऐसा काम जो आपने कल किया या थोड़े दिन पहले किया या कुछ हफ्ते पहले किया बट विच वॉज डन इन द पास्ट, तो उसका कोई डेफिनेट उसका कोई टाइम नहीं है. बस आपने वो काम किया. अब जैसे मैंने सेब खाया, मैंने खाना बनाया, मैंने पत्र लिखा, तो इसमें कोई टाइम मैंने मेंशन नहीं किया हुआ. तो इसके लिए क्या रूल है, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसके सब्जेक्ट होएगा. सब्जेक्ट सबसे पहले जो भी काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अब वर्ब जैसे ऑल एक्शन वर्ड्स, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो सारे वर्ब्स होते हैं. अब मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने कल सेब खाया था, तो खाने की क्या इंग्लिश होगी? ईट. ईट हो गया फर्स्ट फॉर्म में. तो अब हम पास्ट में क्या लगाएंगे? एट. सेकेंड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन. तो सेकेंड फॉर्म है हमारी एट. तो हाउ विल आई एक्सप्रेस दैट कि कल मैंने सेब खाया था? आई एट एन एप्पल. आई सब्जेक्ट हो गया, एट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एन एप्पल जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा. आई एट एन एप्पल यस्टरडे और डे आफ्टर यस्टरडे. ये तो सिंपल स्टेटमेंट होगी. अगर अब इसी को ही मैंने नेगेटिव में कहना है कि मैंने सेब नहीं खाया था, तो इसके लिए क्या रूल्स होंगे? अब स्टेटमेंट में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, अब इसमें हम क्या लगाएंगे? अब नेगेटिव में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट होगा और डिड लगाएंगे. पास्ट टेंस में हमेशा डिड यूज होता है, और साथ में हम नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई डिड नॉट ईट एन एप्पल. आई फिर डिड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे और ईट फर्स्ट फॉर्म लगा के हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में रेडी हो जाएगा. आई डिड नॉट ईट एन एप्पल यस्टरडे. अब इसी को नेगेटिव को अगर हम क्वेश्चन में बनाना चाहते हैं, इंटरोगेटिव में, कि क्या कल मैंने सेब खाया था, क्या कल तुमने पत्र लिखा था, क्या तुम कल मार्केट गए थे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब बाकी से दोनों उसमें हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आता है, और इंटरोगेटिव में व्हाट हैपेंस इज दैट जो डिड है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय डिड. डिड आई ईट एन एप्पल यस्टरडे? डिड. आई डिड आई सब्जेक्ट हो गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. डिड आई ईट एन एप्पल और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा. अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो योर सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, बिकॉज क्वेश्चन मार्क शोज that this is an interrogative sentence. So make sure that when you write like this, you don't forget to put question mark when the sentence ends. So this way we follow the rules in past indefinite tense: statement, negative or interrogative. Now next is past continuous tense. Past continuous tense, ek aisa kaam jo kal aap kar rahe the. Ab aap kya kar rahe the kal? आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, कोई लेटर लिख रहे थे, या आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या आप मार्केट जा रहे थे. देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन मेंशन दैट यू वर डूइंग यस्टरडे. सो आई वाज राइटिंग अ लेटर. मैं एक पत्र लिख रही थी. आई, अब सब्जेक्ट इसमें क्या रूल है? ये एक स्टेटमेंट है कि मैं ये काम कर रही थी, या वो मेरी फ्रेंड ये काम कर रही थी, या मेरी मदर ये काम कर रही थी. तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब, और वॉज और वर्ब दे विल बी यूज अकॉर्डिंगली. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आएगा. और फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. अब जैसे मैंने कहा कि मैं पत्र लिख रही थी, तो आई सब्जेक्ट, आई के साथ क्या आएगा? वॉज. आई वॉज. अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखने की क्या होती है हमारी इंग्लिश में, हम क्या बोलेंगे? राइट. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों है? राइट. आई वॉज राइटिंग, क्या कर रहे थे आप? लेटर लिख रहे थे. आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड.
तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सो दिस वे यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हो गया सिंपल स्टेटमेंट। अब इसी को अगर मैं नेगेटिव में कहना चाहूँ कि मैं पत्र नहीं लिख रही थी, तो अब आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसमें क्या लगाएंगे, सारे वही रूल्स हैं, सब्जेक्ट होगा, वॉज वर होगा और प्लस नॉट आ जाएगा यहाँ पर। तो आई वॉज नॉट राइटिंग, अब राइट जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया और साथ में हमने आई एन जी लगाया, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसको जो हम इंटरोगेटिव में अगर हम इसको करेंगे तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, फॉलोड बाय सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। अब हमारा सेंटेंस था कि मैं लेटर नहीं लिख रही थी, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर और आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अब हम इसको कैसे करेंगे, वॉज, वॉज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट कौन है, आई, वॉज आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, राइटिंग अ लेटर, वॉज आई राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम आप कर रहे थे पास्ट में, तो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज समथिंग विच यू हैड फिनिश्ड, जो आप काम कर चुके थे, आप पत्र लिख चुके थे, आप खाना खा चुके थे, आप सो चुके थे, या कोई आप अपने पापा के आने से पहले आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, या आपके मदर के आने से पहले आपने सारा काम घर का खाना बना लिया था, वॉट्स एवर समथिंग विच यू हैड फिनिश्ड। अब इसके लिए क्या रूल्स होते हैं, आप हैड सब्जेक्ट होगा प्लस हैड, ओनली हैड इज यूज, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी यूज फॉर्म्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू हैव टू कीप इन माइंड वेयर टू यूज फर्स्ट फॉर्म, वेयर टू यूज सेकेंड फॉर्म एंड वेयर टू यूज थर्ड फॉर्म। And this is a very important tip that we always use third form of verb with had, has, have, had, इनके साथ हमेशा third form आती है। अब past tense है तो इसमें हम सिर्फ had use करेंगे, no has, have, has, have है जो हमारे present में होते हैं। तो in past perfect tense we use subject plus had plus third form। अब statement है कि मैंने पत्र लिख लिया था, या मैंने खाना बना लिया था, या मैंने ये सारा काम डेकोरेट कर लिया था, पूरा घर डेकोरेट कर लिया था गेस्ट के आने से पहले, या गेस्ट के आने से पहले मैं पूरा खाना बना लिया था, बना चुकी थी। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, जैसे आई हैड फिनिश्ड, आई हैड कुक द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव, और My brother had decorated. My brother had decorated the stage. Or the mother had cooked food for the family. Or the children had finished their homework before their father came. मतलब पापा के आने से पहले वो सारा काम कर चुके थे। तो अब हमने सब्जेक्ट लगाया, had लगाया प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसको जो हम नेगेटिव में करना चाहेंगे कि मैंने वो काम नहीं हुआ था गेस्ट कहने से पहले, लाइक आई हैड नॉट फिनिश्ड, द मदर कुड हैड नॉट कुक द फूड बिफोर द चिल्ड्रन केम फ्रॉम स्कूल, द डॉक्टर हैड नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट, जो काम नहीं हुआ था। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, हैड आएगा सब्जेक्ट, हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसी को ही हम इंटरोगेटिव में करना चाहें तो व्हाट आर द रूल्स, अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारा हैड जो है पहले आ जाएगा, हैड शी कुक द फूड, हैड हैड फिर सब्जेक्ट शी फिर थर्ड फॉर्म, हैड शी कुक द फूड फॉर द फैमिली और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अनलेस यू पुट क्वेश्चन मार्क द सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, बिकॉज यू हैव देयर आर सर्टन रूल्स टू बी फॉलोड एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज दिस इज वेरी एसेंशियल, इट्स इम्पेरेटिव टू पुट क्वेश्चन मार्क व्हेन द सेंटेंस एंड्स।
सो मेक श्योर दैट व्हेन यू यूज इट लाइक दिस एंड पुट योर क्वेश्चन मार्क. नाउ द लास्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. Past perfect continuous tense, it refers to an action which had started earlier but still going on. एक ऐसा काम जो आपने कल शुरू किया था या बहुत पहले किया था लेकिन वो भी खत्म नहीं हुआ, वो फिर चल ही रहा था. Something which had started but still going on. अब इसके लिए हम क्या रूल्स लगाएंगे स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट इज वेरी एसेंशियल इन एवरी सेंटेंस, बी इट affirmative sentence, negative sentence or interrogative. There is a subject always. अब हमारा subject होगा और plus had लगाएंगे. Had plus been plus first form of verb plus ing. और अब इसमें हम since और for भी लगाते हैं. Since for का मतलब इसमें क्या होता है कि it shows that the work or the action had been going on for 2 hours, for 3 hours or since for 2 days, things like that. अब for example, कल बारिश हो रही थी, सुबह से लेकर रात तक बारिश हो रही थी. इट हैड बीन, इट हैड, इट क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया. इट स्टैंड फॉर रेन. इट हैड बीन अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब हमारा वर्ब क्या है रेन, बारिश हो रही थी. इट हैड बीन रेन, साथ में आईएनजी लगाएंगे. इट हैड बीन रेनिंग, कब हो रही थी सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कल बारिश होती चली जा रही थी. और इट हैड बीन रेनिंग फॉर मेनी आवर्स. यू डोंट रिमेम्बर द आवर्स बट यू कैन रिकॉल इट, यू कैन रिकलेक्ट इन योर माइंड दैट इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली. और फॉर मोर एग्जाम्पल्स लाइक द चिल्ड्रन हैड बीन और द स्टूडेंट्स हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 6 months. मतलब बच्चे जो हैं वो पिछले 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम करते चले आ रहे हैं, अभी भी वो चल रहे हैं. द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन बट इन द पास्ट लाइक द चिल्ड्रन द स्टूडेंट्स हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months. ये तो हमारा हो गया एक स्टेटमेंट में. अब देखो इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, मतलब दो एक्शन को हमने कंबाइन किया हुआ है. और फिर नेगेटिव हम अगर इसको हम करना चाहेंगे तो सब्जेक्ट होगा और इसमें हम नॉट लगा देंगे. और नॉट किसके बीच में आएगा, हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे. लाइक द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गए, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हैड, द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग. प्रिपेयर हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई और आईएनजी लगा देंगे. हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर many days, for few days, for few hours, for few days, कुछ भी आप लगा सकते हैं इसमें, जो भी आपको लगाना है इसमें. तो make sure that you follow the rules. अब इसी को interrogative में अगर